बता दें, राजस्थान कांग्रेस का राजनीतिक संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकट माने जाने वाले होमगार्ड राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पाला बदलकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे में शामिल हो गए। गुढ़ा ने पायलट को सीएम बनाने की मांग करते हुए कहा कि उनका युवाओं में प्रभाव है। पायलट भीड़ खींचने और हर वर्ग के लोगों को आकर्षित करने वाले देश के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच लोकप्रियता में पायलट तीसरे नंबर पर है। यह बात सबको माननी पड़ेगी। वहीं जयपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पद्माध्याय का राजपूत समाज पर बड़ा कर्ज है। उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान जयपुर के युवराज को बचाने के लिए किया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। पद्माध्याय गुर्जर समाज से थी। उन्होंने सामाजिक समीकरण का हवाला देते हुए पायलट का समर्थन करने का तर्क दिया है। उल्लेखनीय है कि बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए गुढ़ा अपने साथ 5 अन्य विधायकों को गहलोत के समर्थन में लेकर आए थे। इसके बदले गहलोत ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुढ़ा गहलोत से नाराज हैं। वे सार्वजनिक तौर पर पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पायलट 2 दिन कोटा और टोंक की यात्रा के बाद बीते दिन बुधवार को जयपुर पहुंचे। यहां उनके समर्थक विधायकों एवं नेताओं ने उनसे मुलाकात की। पायलट समर्थक विधायक सुरेश मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला होगा।